पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, खट्टा खट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय का काम? सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना पूरे गांव के सामने जलील करूँगा। ठूस और ठूस, भूखट का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब है? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया तो जा तारीफ कर। ओ, ऐसा है क्या? अरे गणेश, हाँ। सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चल चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणेश, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। अमर तेजा, छेलापति, चिन्नम्मा। रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? पागल है क्या? पड़ेगा। राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए, पूरे दे दिए। मेरे सारे पैसे लौटा दिए, बहुत अच्छा बच्चा है। चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही